नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर मौसम में मिल सकेंगे मटर, बेर, कैंडी और बेल। 66 लाख किसानों को मिलेंगे केसीसी। 90% सब्सिडी पर मिल रहे रबी फसलों के बीज। और सूखाग्रस्त क्षेत्र के हर परिवार को मिलेंगे 3500 रूपए। अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का फूड साइंस विभाग फसलों और खाद्य वस्तुएं जैसे बेल, मटर, बेर, कैंडी को ज्यादा समय तक और बिना रासायनिक प्रोसेस के सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। इन वस्तुओं को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, साथ ही इनके पोषक तत्वों पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौरतलब है कि मटर को ज्यादा समय तक संरक्षित रखने के लिए फ्रिज और एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है, लेकिन विश्वविद्यालय के युवा शोधार्थी मटर को निर्जलित बनाकर ज्यादा समय तक रख रहे हैं, जिससे मटर को अधिक दिनों तक प्रयोग किया जा सकेगा। साथ ही स्वाद और तापमान में भी असर नहीं पड़ता। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया पर अभी सिर्फ प्रयोग किया गया है, लेकिन जल्द ही इस तरह से बने उत्पादों को बाजारों में लोगों के बीच बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के लगभग 66 लाख किसान को केसीसी देने की योजना बना रही है। दरअसल बेमौसम बारिश और जलवायु के कारण किसानों की खरीफ सीजन की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। इस योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, बकरी भेड़ पालकों को मात्र 4% पर ऋण दिया जाता है। किसानों को ये ऋण 1 साल के अंदर चुकाना होता है, तो वहीं 7% की दर पर ब्याज लगता है। इसकी मदद से किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बता दें कि राज्य में अभी तक 94 लाख किसानों को केसीसी दिया जा चुका है। बिहार सरकार किसानों को रबी सीजन के लिए दलहन और तिलहन फसलों के बीज जैसे सरसों, जौ, चना, मसूर, मटर, गोभी, गाजर आदि पर 90% की सब्सिडी देने जा रही है। इच्छुक किसान वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि बिहार राज्य बीज निगम की तरफ से किसानों को बीज की होम डिलीवरी भी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय होम डिलीवरी का ऑप्शन चुनना होगा। इसके लिए गेहूं के बीज पर 2 रूपए प्रति किलो और अन्य बीजों पर 5 रूपए प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिहार सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के 7,841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इन इलाकों में 30% से कम बारिश और 70% से कम फसल हुई है। इन इलाकों के सभी परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रूपए दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। बता दें कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अक्टूबर महीने में हुई अधिक बारिश और विभिन्न जगह पर आई बाढ़ से प्रभावित फसल को लेकर किसानों को सहायता सुनिश्चित की जाएगी। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।